फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और अपने परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज बहुत अजीब सा तबीयत है मेरा। तो मैं अपना ब्लॉग आगे बढ़ाती हूँ। राधिका अपने पापा को बुलाई है, अपने पापा को बुला के सारे कंप्लेन की है समर और गुनगुन के बारे में, पर ये कंप्लेन करने से कुछ नहीं होने वाला है राधिका। तो मैं क्लास 10-12 की स्टैंडर्ड की एक लड़की नहीं हूँ जो तुम अपने पापा को बुला के कंप्लेन कर दी और सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। तुम्हें अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि गुनगुन ऐसी लड़की है, वो कोई भी गलती करती है उसके बाद एक छोटा सा सॉरी बोल के वो सारे चीज़ को ढकने की कोशिश करती है। किस्मत उसका अच्छा है कि उसको ध्रुव जैसा पति मिला है। अगर ध्रुव जैसा पति उसको नहीं मिलता ना, तो वो जिस दिन कमर वाला जो हादसा हुआ था, गुनगुन के कमर में हाथ देते देख लिया था ध्रुव ने, उसी दिन ध्रुव उसको छोड़ देता। पर ऐसा नहीं हुआ और यही चीज़ का फ़ायदा गुनगुन उठा रही है कि मैं कुछ भी करूँगी, सॉरी बोल दूँगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें टाइट होना पड़ेगा, तुम्हें सख्त होना पड़ेगा। वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें उसे हाथ टांग के उसके ससुराल तक टांग के ले जाना पड़ेगा, या तो उसको धक्के मार के घर से निकालो कि बहुत हुआ, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में रहो। अमित आए, अंकित आए, तुम्हारे पापा है, तुम वहाँ पर टैकल करो। यहाँ पर आने की, यहाँ पर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा घर है, ये मेरा हस्बैंड है, तुम यहाँ पे आती हो मेरा घर ख़राब होता है, तुम गुनगुन को ऐसे बोलो। यहाँ पे इसको उसको कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है? तो इसलिए कंप्लेन करना बंद करो। तुम्हारे पापा सुने, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पापा ने सुना ये बात, पर सुनने के बावजूद भी तुम्हें मेन स्टैंड लेना पड़ेगा, ना कि तुम्हारे पापा को। तुम स्टैंड ले सकती हो और गुनगुन को वहाँ से रफा दफा कर सकती हो। और ध्रुव को मैं बोलूँगी, ध्रुव तुम अभी वहाँ क्यों हो, तुम अपने वाइफ को लो और लेके अपने घर जाओ। तुम जितना वहाँ पे रहोगे, तुम्हारी तो बात वैसे ही सुनती नहीं है, तुम वहाँ पे जितना रहोगे उतना ही तुम्हारी वाइफ समर के ही करीब जाएगी और बाद में सॉरी एक बोल देगी। तो बस फ्रेंड्स, आज इसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।